एग्जाम के साथ पढ़ती थी, अब ऐसा क्यों कर रहे? ऑर्डर ही दिखा रहे हैं, जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया ना। धर्म छोड़ने का बात नहीं है, धर्म भी एक शिक्षण है। पर ये हमारा हक है ना, क्यों हमसे छीन रहे हो? आपका सांप्रदायिक आधार है वो हिंदुस्तान के संस्कृत और संविधान पर शुद्ध रूप से वार है। तो कांग्रेस पार्टी और PFI, इनका तो पुराना रिश्ता है और आज वो फिर से एक बार स्थापित हो रहा है। तो उस संस्था को ऐसे विवादास्पद मौके पर रैली की इजाजत देना, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूँ। नबी जी ने बता के किया है, एक मुसलमान का सबसे बड़ा काम है शिक्षा। इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। क्या हिजाब के लिए लोकतंत्र से धर्म युद्ध होगा? क्या हिजाब की दुहाई दी जाएगी और संविधान से लड़ाई की जाएगी? मैं हूं रीमा प्रसाद आपके साथ इस वक्त, और आज सवाल डंके की चोट पर है कि जब हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों? सवाल सबसे अहम और चुभता हुआ यही है, क्यों जानबूझकर हर दिन लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जा रही हैं, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के कोटा में तो PFI की रैली निकाली गई और रैली में लोकतंत्र बचाने की बात कही गई। सवाल यह है कि हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आपको 10 बातें समझनी बहुत जरूरी है, जिससे इसमें पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिलते हैं। ये खुलासा नंबर 1 क्या है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की कि कैसे ये परेशानी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोटा से जो तस्वीरें निकल कर आई, अब से पहले जब भी आपने कोटा को सुना, ये सुना कि बच्चे वहां पढ़ते हैं, लेकिन आज हिजाब की लड़ाई कोटा में भी, वो भी PFI के जरिए। इसके अलावा कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में जब एक तरफ लंबी सुनवाई चल रही है, इत्मीनान से कोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियां पहुंच रही हैं हिजाब पहनकर, यहां तक स्कूल में नमाज तक पढ़े जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या है मकसद? आखिर क्यों ये इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौन सा एंगल हो सकता है? क्या सिख वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश है? क्योंकि आज सिरसा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे भी बहुत सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लीडर जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सुनील जाखड़, उन्होंने क्या कहा था कि अब से पहले प्रतिबंध, आज जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है हिजाब पे, कल को सिखों की पगड़ी पे बात होगी। लेकिन अब हम आपको खुलासा नंबर 1 बताते हैं। खुलासा नंबर 1 है, भारत में हिजाब विवाद के पीछे आखिर कौन सी साजिश है? ये पाकिस्तानी साजिश है। खुलासा नंबर 2 है, 9 फरवरी को करीब 100 सोशल मीडिया अकाउंट खुल चुके हैं, जिस दिन ये कर्नाटक में विवाद सामने आया। खुलासा नंबर 3 है, ज्यादातर अकाउंट किस नाम से थे? मुस्कान के नाम से खोले गए। मुस्कान आपको याद होगी, वही बच्ची है जो अल्लाहु अकबर करती हुई वो कॉलेज कैंपस में मिली थी। खुलासा नंबर 4, पाक से ऑपरेट एक अकाउंट की लोकेशन कर्नाटक बताई गई है। खुलासा नंबर 5, इसी सोशल मीडिया अकाउंट पर तालिबान का समर्थन हुआ। खुलासा नंबर 6 ये है कि पाक की हकीकत टीवी ने हिजाब पर भारत विरोधी दुष्प्रचार किया। इसके अलावा और कौन कौन से खुलासे? एक के बाद एक आप चौंक रहे होंगे इस वक्त, मुझे यकीन है, लेकिन यही सच्चाई है। खुलासा नंबर 7, हिजाब विवाद पर भारत में शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है पाकिस्तान। और खुलासा नंबर 8, हिजाब विवाद पर ISI की भूमिका भी संदिग्ध है। ISI की मुस्लिमों को भड़काने की यह साजिश है। खुलासा नंबर 9, हिजाब रेफरेंडम और उर्दिस्तान के लिए भड़काने की ये बड़ी साजिश निकल कर सामने आई है। खुलासा नंबर 10, हिजाब विवाद के पीछे पाकिस्तानी फंडिंग का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक एक करके हमने आपको खुलासे बताए, और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। गेस्ट का मैं सबसे पहले आपको परिचय करवा दूं, मंजिंदर सिरसा BJP से लीडर है इस वक्त, शहजाद पुनेवाला वो भी BJP से हैं, मौलाना साजिद रशीदी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, इसके अलावा साइदा फलक, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं सिरसा साहब आपके पास आती हूँ। सुनील जाखड़ का एक स्टेटमेंट बीते दिनों निकलकर सामने आया, उसमें सुनील जाखड़ साहब ये कहते हैं कि आज हिजाब पे पाबंदी की बात हो रही है, कल को सिखों की पगड़ी पे बात होगी। आज तो एक ट्वीट के जरिए आपने तस्वीर साफ कर दी है, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने जो 3 दिन से नोटिस ले रहा हूं, पहले तो सुनील जाखड़ जी ने एक PC की, और PC में ये कहा
कि हमारे जो टेम्पोरल अथॉरिटी या हाईएस्ट अथॉरिटी अकाल तख्त के जत्थेदार और जो इलेक्टेड हमारी सबसे बड़ी हमारी बॉडी है मिनी पार्लियामेंट सिखों के SGPC, उनको कहा कि आप हिजाब पे बोल क्यों नहीं रहे, आप चुप क्यों हैं, और आज हिजाब है, हिजाब तो बहाना है, दस्तार पे हाथ डालेंगे जी। उसके बाद अचानक से ये जो राजस्थान के अंदर जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है या कह लो कि जिन्होंने पिछले दिनों में भी एक बहुत दुर्प्रचार किया और देश की सुरक्षा के खिलाफ PFI वो एक प्रदर्शन करते हैं और उसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार कहती है पीसफुल प्रदर्शन है हिजाब के फेवर में, और सडनली कल ही एक कोर्ट के अंदर मूवमेंट होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो सिखों की दस्तार है इसको भी बैन किया जाए, कड़ा को भी बैन किया जाए, और ये कौन करता है, ये कांग्रेस के जो एक एडवोकेट हैं वो और एक कांग्रेस के फॉर्मर जो एडवोकेट जनरल उन्होंने हाई कोर्ट में सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के थे कर्नाटका के कांग्रेस अपॉइंटी, वो दोनों कोर्ट में केस डालते हैं। तो इससे बात बड़ा स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं घुमा करा के हमारे दस्तार पर लाकर उससे पहले मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या है और कांग्रेस पार्टी पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। एडवोकेट है देवदत्त कामत, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस लीगल कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं। एडवोकेट रवि वर्मा कुमार 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वो एडवोकेट जनरल रहे हैं। सुनील जाखड़, जिनका स्टेटमेंट मैं कोट कर चुकी हूं, और ये कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई और दलीलों के दौरान ये रह रहे हैं। जो आप इस वक्त कोट कर रहे थे, देवदत्त कामत ने कोर्ट के अंदर सिरसा साहब ये कहा है कि जब सिखों को सेना में भर्ती होते वक्त पगड़ी पहनने की इजाजत है तो फिर हिजाब की नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका। नहीं देखिए, हमें यही एतराज है, आप हिजाब की बात कीजिए, देखो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन एक समझिए 70 साल से तो आप हिजाब वहां पे स्कूल में पहन के नहीं जा रहे थे, लेकिन सिख की दस्तार जो है वो उसके शरीर का हिस्सा है, अंग है, और उसके ऊपर आप ये कहें कि हिजाब बैन कर रहे हो इसलिए दस्तार और कड़ा भी बैन कीजिए, तो आप सब समझते हैं कि सिखों के लिए एतराज होना बड़ा जायज है, और एक ऐसा मतलब जायज, इतना जायज है कि मैं हैरान हूं कि कोई ऐसी बात लिख कैसे सकता है। How can somebody think it कि मैं ऐसा डेयर कैसे कर सकता है कि मैं ये लिख कर दे दूं कि जी दस्तार को बैन कर दो, इस देश के अंदर कोई ऐसी जरूरत कैसे कर सकता है। ये तो कांग्रेस की मानसिकता वही है 84 वाली की, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मैं याद करना चाहता हूं आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो कर रहे हैं आग लगाने की ये बहुत गलत है। इस देश के अंदर आप देश की अखंडता को, देश के अंदर शांति जो एक माहौल है उसके अंदर एक ऐसी आग लगा रहे हैं जो आप बुझा नहीं पाएंगे। सुनील जाखड़ सियासत करते हैं, नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के धाकड़ लीडर हैं, समझ में आता है सियासत करने के लिए पंजाब के चुनावी माहौल में ऐसा कह दिया हो, लेकिन कोर्टरूम के अंदर अगर देवदत्त कामत जज को कन्विंस करने के लिए और अगर वहां पे अपनी दलीलों को अगर उस तरीके से रख रहे हैं तो इसमें समझ में नहीं आता है कि सिखों के पगड़ी को क्यों लाया जा रहा है। सर बस ये आखिरी सवाल होगा आपसे। नहीं मैं यही बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि मैंने जाना है अगली डिबेट में, लेकिन मुझे भी इस बात पे हैरानगी है। देखिए आप समझिए, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बीच में घसीड़ना, दूसरे का नाम लेकर, आप देखिए दस्तार जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार साहिबजादों की इतनी बड़ी महान शहादत हुई, अपने गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी अपने पिताजी की इतनी महान शहादत हुई, और ये हमें जो दिया ये हमारे शरीर का एक अंग है। कांग्रेस इस तरह की बात करे, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, आप यकीन मानो मेरे को बोलने को अल्फाज भी नहीं अप्रोप्रिएट मिल पा रहे कि कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है कि जी फिर तुम दस्तार को भी बैन कर दो, तुम कड़े को भी बैन कर दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे सिखों की बहुत बार ये सिचुएशन आई है जब ये कहा गया कड़ा उतार कर टेस्ट दो, तो सिख बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया लेकिन कड़ा नहीं उतारा। पर हिजाब तो 70 साल तक आप स्कूल पहन कर नहीं जा रहे थे, ये तो अचानक 2 महीने से इसी खड़ा हुआ है, तो फिर इसको दस्तार के साथ कैसे कोई जोड़कर देख सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत नहीं है, बहुत बहुत गलत है, और कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आप हमें लड़ाना चाहते हैं या मॉरली रिलीजियसली
और लीगली जो आप जंग हार चुके हैं, लड़ाई हार चुके हैं, जो आपने नकली मुद्दा उठाया था उसमें अब हमें डालकर उस आग को आग बढ़ाना चाहते हैं, ये मैं बड़ा हैरान हूं उनकी क्या रणनीति है। लेकिन जो भी है देश के लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी खतरनाक। और पाकिस्तान का एंगल आ चुका है, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सिरसा साहब। अब हम डिबेट में और मेहमानों के पास जाएंगे, गुस्ताखी के लिए माफी क्योंकि सिरसा साहब को जाना है तो इसलिए हम आपके पास लेट आ रहे हैं। शहजाद जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, अवस्थी साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, पाकिस्तान के एंगल से भी हम बात करेंगे लेकिन सिरसा साहब ने जो अभी बातें कही है कि सिखों की पगड़ी उनका कड़ा, उससे क्या हिजाब की तुलना हो सकती है? ये संभव है? अगर मैं कल को कह दूं कि हिंदू का अभिन्न अंग, हिंदू धर्म का अभिन्न अंग घूंघट है, ये सही लगेगा? घूंघट का भी अभिन्न अंग हो सकता है? रीमा जी, हाँ, बड़ी साफ सी बात है, इस पूरे हिजाब विवाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कांग्रेस के पक्ष में बोल रही है, कांग्रेस को बेचारा कह रही है, कांग्रेस के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रही है और जो इच्छाएं हैं उसकी कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, ये बड़ी साफ सी बात है जी। एक बात मैं बड़ी साफ सी बता दूं, सिरसा साहब हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, सिखों के लिए पूरा भारतवर्ष, पूरा समूचा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी संकोच के। पाकिस्तान के लोगों ने ही ये सिखों का मुद्दा उठाया है जिसको कांग्रेस यहाँ फॉलो कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा दर्द सिखों से ही है। और कांग्रेस तो जानते हैं कि आप जानते हैं कि क्या है कांग्रेस का हाल, कि जिन गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था औरंगजेब ने, आजादी के 70 साल बाद तक औरंगजेब का नाम हिंदुस्तान की दिल्ली की राजधानी दिल्ली में रखा रहा। जहांगीराबाद है जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ बेअदबी की, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया उस औरंगजेब के, औरंगाबाद, औरंगजेब रोड, और कहां पर? बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में, पॉश इलाके में, लुटियंस इलाके में, औरंगजेब रोड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात की कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह देवदत्त कामत उसको कोर्टरूम में दलील के तौर पे दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार सिखों का अपमान करती है, उनको बहुत बिलिटल करती है। कांग्रेस सिखों के प्रति उसके मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में एक ऐसी घृणा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता, समय समय पर उनके बयानों से सामने आ जाती है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ, प्रवक्ता होने के साथ साथ, आप उस धर्म से आते हैं जिसे धर्म की लड़ाई बना दी गई है हिजाब की आड़ में, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हिजाब और पगड़ी की तुलना हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि हिजाब एक बहाना है, यूपी पर निशाना है, पंजाब में भी लोगों को लड़वाना है क्योंकि वोट कमाना है और वोट बैंक को भड़काना है। जहां तक सवाल है पगड़ी का, तो पगड़ी की और हिजाब की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जो 5 K होते हैं सिखों के, कंघा, केश, किरपान, ये सिखों के धर्म का अहम हिस्सा है। जबकि जो 5 essentials है मुसलमानों के, इस्लाम धर्म के, उसमें कहीं पर भी हिजाब नहीं है। उसमें तो शहादा है, मतलब नमाज है, उसमें सलात है, उसमें फास्टिंग है, परंतु उसमें भी कोई भी हिजाब का, कुरान में जो हिजाब का जिक्र भी है, वो कपड़ों के लिहाज से नहीं है जी। हिजाब भी जो कपड़ों का जिक्र नहीं है, जिस प्रकार से हिजाब का जिक्र कुरान में किया गया है, वो केवल और केवल व्यक्तिगत अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है। वो विनय, विनम्रता, आंखों के शर्म, सम्मान, इस प्रकार के भाव जो है उसको उन्होंने अवधारित किया है वहां पर कुरान पाक में। तो मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आज क्योंकि आप एक हिजाब को हक के बदले हट बना दिए हैं, तो आज आप कल सिखों की पगड़ी उछालना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, आपने देखा है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार को पंजाब से लड़वाने की कोशिश कर रही थी, अब सिखों को मुसलमानों से लड़वाने की कोशिश कर रही है, और इसमें पूरा साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान यही तो चाहता था कि भारत का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हुआ, आज भारत के क्लासरूम का बंटवारा किया जा रहा है, लोगों का बंटवारा किया जा रहा है धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर। तो पाकिस्तान जो है पीछे से लगा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी, PFI, समाजवादी पार्टी, OAC, वो आगे से यहां पर काम कर रहे हैं। वरना मुझे बताइए, जब कर्नाटक हाईकोर्ट इसके बात को सुन रहा है, तो आज क्या जरूरत है कि PFI के एक आंदोलन को वहां पर परमिशन दी गई? जो PFI बैंड संस्था है कई प्रदेशों में, जो PFI डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और हालिया दिनों में CA प्रोटेस्ट के दौरान वोट बैंक भड़काना है,
सीए प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई की भूमिका क्या रही है, ये हम सबसे छिपी हुई बात नहीं है। और अगर दिल्ली के किसी रहने वाले शख्स से पूछा जाए तो अपना दर्द अपनी तकलीफ बता सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सायदा फलक। सायदा फलक, मुझे सीधा सीधा आपसे ये समझना है कि अगर बच्चियों की नाराजगी थी, अगर आपके धर्म के लोगों की नाराजगी थी, तो ये मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट में। लंबी सुनवाई चल रही है, इत्मीनान से सुनवाई चल रही है, जज हर दिन मौका दे रहे हैं और तमाम दलीलें भी जा रही है, लेकिन इसके बीच में बच्चियां पहुंच रही है हिजाब पहन के कॉलेज में, नमाज पढ़े जा रहे हैं, कोटा में पीएफआई का आंदोलन हो रहा है, तो क्या आप लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो जो है ना डिले होते जा रहा है, कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है। और मैं एक बात बता दूं आपको, सिर्फ ना ये हिजाब पहन के वो स्कूल जा रहे, एक तो उनको अलाउ नहीं कर रहे, दूसरा कर्नाटका हाईकोर्ट ने जब बोल दिया कि भाई हर चीज बैन, तो फिर वहीं पे वहीं के स्कूल्स में भजन भी पढ़े जा रहे हैं, वो क्या बात है बोलिए, भजन भी तो रोक देना चाहिए ना। अरे बिल्कुल रोका जाना चाहिए, स्कूल में भजन भी पढ़ रहे हैं, भजन के बारे में तो आने नहीं दे रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ना तो अलाउ कर रहे हैं। कहाँ पे भजन, कहाँ पे हुआ है, जरा लोकेशन बताइए। हिजाब पहन के लड़कियां कॉलेज जा रही है, भजन कहाँ आने नहीं दे रहे, वो बेचारे वापस आज की तस्वीर है, कर्नाटक स्कूल में है, आज कर्नाटका के स्कूल में, कल मैंने देखा वो तस्वीर, मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए। दूसरा, जो लड़कियां हिजाब पहन के जा रही है उनको आने नहीं दे रहे, उसके बाद मीडिया वाले, शुरुआत हो रही है, फिर अभी थोड़ी देर पहले, फलक आपको भी मालूम है शुरुआत कहां से हुई है, पहले हिजाब पहन के बच्चियां पहुंचती है, उसके बाद भगवा रंग होता है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। देखिए मैडम, कोर्ट पे भरोसा है या नहीं, कौन सी आज वीडियो देखी, क्या है प्रदेश पे हिजाब वाली बुरखे वाली लड़कियों को पुलिस वाले मार रहे हैं डंडों से और जबरदस्तियों का हिजाब निकाल रहे हैं, ये क्या है बोलिए आप मुझे। बीजेपी के एमएलए ने अभी पिछले सेकंड फेज के दौरान मैं रामपुर में थी, रामपुर में वोटिंग के दौरान, रामपुर में वोटिंग के दौरान दो महिलाओं ने फर्जी वोट डाले बुर्का पहन के, आप उसको तो कोर्ट नहीं कर रही है, एक महिला, एक बुर्का पहनने वाली महिला ने कोटो वाले को चाकू मार दिया, पुलिस वाले को चाकू मार दिया, ये नहीं कोर्ट किया आपने, अब ये किस घटना का जिक्र कर रही है? हमारा हुक है, हमारा राइट है, शहजादी छीना जा रहा है तो बोलेंगे ना। देखिए रीमा जी, एक एक करके बात रखेंगे ताकि आपके दर्शकों को समझ में भी आएगा और मुझे लगता है चर्चा भी सार्थक होगी। रीमा जी देखिए, दो बातें की गई, एक तो उन्होंने बात की कि देखिए हमें तो अपना हिजाब चाहिए, अहम हिस्सा है। आपको पता है रीमा जी, दो पेटिशनर जो इस मामले में है, एक ने कहा कि इस मामले को टाल दो चुनावों तक, मतलब अहम हिस्सा है आपके मजहब का और फिर बोलते हो चुनाव तक टाल लो। दूसरी बात, आज एक पेटिशनर ने कही कि केवल जुम्मे को परमिशन दे दो, चलिए बाकी दिन छोड़ देते हैं, मांडवली करते हैं, जुम्मे की परमिशन दे दो, ये कैसा धर्म का अहम हिस्सा है कि केवल जुम्मे को दे दीजिए बाकी दिन नहीं चलेगा। तीसरी बात, जो कर्नाटका का विषय हमारी बहन बोल रही है, वो एक निजी संस्थान है, निजी संस्थान में आपके मदरसे में आप कुरान पढ़ती है, किसी ने रोका है क्या आपको? आप अपना हिजाब पहन के डिबेट में बैठी है, आप सड़कों पर जाती है, किसी ने रोका है क्या आपको? परंतु क्लासरूम जो चल रही है सरकारी स्कूल की, जिसमें यूनिफॉर्म का रूल है, वहां पर तो केवल यूनिफॉर्म ही चलेगा। दूसरी बात रीमा जी, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद शायदा जी पूरा जवाब दे, पूरा जवाब दे, कौन रोक रहा है उनको? एक और बात, महाराष्ट्र में यही रूल यूनिफॉर्म वाला लागू है, महाराष्ट्र की स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई आंदोलन नहीं कर रहा। केरल में केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, रीमा जी हिंदू एजुकेशन सोसाइटी ने, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने प्रतिबंध लगाया 150 संस्थानों पर कि हिजाब नहीं चलेगा, तब इनका सेकुलर आउटरेज नहीं था। और इस पूरे मामले में अगर ये बच्चों का मामला है, बच्चों के अधिकार का मामला है, तो पीएफआई बयान देती है। जमीर अहमद कहते हैं कि बुर्का नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, इसका किसी ने खंडन किया क्या? यहां पर हाथ काट देने की बात की, ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले लोग हैं या हाईकोर्ट पर भरोसा करने वाले लोग हैं? शायदा जी से पूछे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तीन तलाक में माना इन्होंने फैसला, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। कोर्ट पे यकीन होता तो क्या ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से जाती कोर्ट पर भी? लेकिन सायदा जी मुझे बोली, अच्छा, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं साजिद रशीदी। रशीदी साहब, सीधा सवाल, कोर्ट पे यकीन है कि नहीं, उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगी। देखिए कोर्ट पे तो हमें जब भी यकीन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सारे सारे तथ्य सामने रखने के बाद जमीन जो है राम मंदिर को दे दी, हमें तब भी यकीन था, हम खामोश रहे, आज तक खामोश हैं। दूसरी बात, देखिए ये विवाद हुआ कहाँ से, असल उसको समझने की जरूरत है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। पता करें, मुझे बस इतना समझना है, जस्ट एक लाइन, हाँ या ना, यकीन है कोर्ट पे?
ये केबीसी खेल रही है क्या आप? नहीं नहीं, हाँ या ना, उसके बाद में अगला सवाल, हाँ केबीसी खेल रही हुई, यही सोच लीजिए। मैं देर से जुड़ा हूँ, मैं बात करूंगा। अगला सवाल आप ही से पूछेंगे, पहले बताइए तो सही, ये बताने में कितना वक्त लगता है कि देश के संविधान पे यकीन है, कोर्ट पे यकीन है कि नहीं? मैंने बताया ना कि हमें जब भी यकीन था, जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला है, यकीन नहीं था। यकीन था ना, यकीन है ना, यकीन है तो फिर अलग अलग जगहों से आज क्यों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि बच्चियां अभी भी जा रही हैं हिजाब में, बच्चे जाके स्कूल रूम में नमाज पढ़ रहे हैं, पीएफआई का आंदोलन हो रहा है, बच्चियां किसके कहने पे हिजाब पहन के जा रही हैं? देखिए बात किस सुरक्षा से तो नहीं जाती होंगी, कोई ना कोई कहता होगा। ये सारा किया धरा जो है बीजेपी का है, सब किया धरा बीजेपी ने किया है, चूंकि यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, वो उसका फायदा लेना चाहते हैं। आज एक नया इसमें एंगल आ गया कि सरदारों की पगड़ी भी बैन होनी चाहिए। ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की जा रही है। मुझे बताइए 2014 से पहले कभी इस पर विवाद होता था? ये बीजेपी पर किसी पगड़ी पर, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कोर्टरूम में, देवदत्त कामत ने कहा कि जब सिखों के पगड़ी पे बैन नहीं है तो हिजाब पे क्यों? और ये आपने सवाल उठाया कि सिखों को पगड़ी पहनना सेना में अलाउ है तो हमें हिजाब पहनना क्यों नहीं? आप मुझे बोलने देंगे? नहीं, आपको याद दिलाना पड़ेगा ना कि आपने क्या कहा है। मैं इतनी देर से जुड़ा हूँ और आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, ये तो कोई बात नहीं है। मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। गलत बात है बिल्कुल। अगर बोलने नहीं देना तो मैं उठ जाता हूँ। सवाल आप ही से पूछा है साहब, एक जवाब तो खत्म होने दीजिए। आपके जवाब में ही निकल कर सामने आया सिखों के पगड़ी का मामला, मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि सिखों के पगड़ी का मामला आपने भी उछाला था। जब मैं चुप हो जाऊं तो आप एक और सवाल दाग दीजिए, लेकिन मुझे चुप तो होने दीजिए। मैं पूरा सवाल नहीं कर पा रहा हूं, जवाब आप एक सवाल दाग दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आप चुनाव की तमाम स्पीचेस ले लीजिए योगी जी की। कल उन्होंने एक जगह स्पीच दी और ये कहा कि एक जगह लखनऊ में मुसलमानों के महल्ले में 8 यादवों के घर है और मुसलमान गोश्त खाता है और हड्डी उनके घर में फेंक देता है। ये कौन सा बयान है भाई, ये कैसा बयान है भाई, ये क्या चाहते हैं आप? इस तरह का विवाद करने का इलेक्शन में क्या मतलब है? अगर आपने 5 साल सरकार चलाई है और भगवा कपड़े पहनकर चलाई है, हमने तो ऐतराज नहीं किया, हम तो कोर्ट नहीं गए उस पर। अब मैं फिर आपने कोई और बयान कोर्ट करूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे कि बीच बीच में मैं टोकती हूँ। ओवैसी साहब ने मंच से क्या कहा था याद है आपको? मुसलमानों एक हो जाओ, उनके भाई ने क्या कहा था? शहजादी इस वक्त आप बोलना चाहते थे, जरा याद दिलाइए। ओएस मेरा लीडर नहीं है। देखिए ऐसा है कि क्या किसी ने ओएसी को शेरवानी पहनने से रोका है क्या? क्या किसी ने साजिद रशीदी को टोपी पहनने से रोका है क्या? यहाँ पर शायदा फलक है, वो बुरखे में आई है, उनको किसी ने रोका है क्या? किसी को कोई रोक नहीं है, परंतु जो क्लासरूम के भीतर जब क्लास चल रही होती है उसका एक यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिनिंग कोड होता है, उसको फॉलो करने में ऐतराज क्यों है? अच्छा दूसरी बात, एक एक करके बात रखते हैं। रीमा जी मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद ये जो साजिद रशीदी है वो अपनी बात रख सकते हैं। रशीदी साहब सुन लीजिए एक बार, साजिद रशीदी साहब, मैं आपको सुन लीजिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अब आप रीमा जी को बता रहे थे कि आपकी बात खत्म नहीं हुई तो कैसे बीच में बोल पड़े, तो आप सुन तो लीजिए मेरी बात, बीच में बोल पड़े साजिद रशीदी, अब सुन लीजिए। अरे इस प्रकार से डिबेट नहीं होती साजिद रशीदी जी, आप सीनियर है, आप सुन लीजिए, मेरा सवाल हो जाएगा उसके बाद जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, ठीक है, सुन लीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब ये मामला कोर्ट में है, सबको भरोसा है, आप तो कहते हैं सारे मामलों पे आपको भरोसा है कोर्ट में, हालांकि 3 तलाक और शाहबानों में क्या किया वो पूरे देश ने देखा, आप छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब कोर्ट में मामला और कोर्ट ने कहा धार्मिक ड्रेस कोड नहीं पहनी जाएगी जब तक सुनवाई हो रही है, तब इसको हट का मामला बनाकर, हक नहीं हट का मामला बनाकर मुर्शिदाबाद में बम फेंके गए, क्या उसका खंडन किया आपने? पीएफआई ने आज मार्च निकाली और पूरे सांप्रदायिक बयान और लोकतंत्र पर भाषण देने लग गए, क्या उसका खंडन किया आपने? एक रूबीना कहती है मैं हाथ काट दूंगी, क्या उसका खंडन, एक समाज के बड़े नेता होने के नाते आपने खंडन किया कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट की बात सुनिए, संविधान सबसे ऊपर है। और चलिए मैं आपसे पूछता हूं, हिजाब अगर ये एसेंशियल हिस्सा है इस्लाम का, आप कहते हैं हिजाब एसेंशियल हिस्सा है इस्लाम का,
तो क्या महिलाओं के लिए है या केवल महिलाओं के लिए है या मर्दों के लिए भी है? क्योंकि अगर केवल महिलाओं के लिए है तो ये तो फिर अनिवार्य हो गया, तो चॉइस 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 जो आप कह रहे हैं, तो चॉइस कहां बचा किसी का? ये चॉइस का मामला है या ये मैंडेटरी महिलाओं के लिए? एक सवाल मेरे जहन में भी है शहजाद जी, मेरा जवाब ले लीजिए। शाजिद रशीदी, एक सवाल मेरा सुन लीजिएगा। धर्म बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ महिलाओं के कंधे पे है? उन महिलाओं के जो मस्जिद में भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन धर्म की बात आई है तो वो हिजाब पहन ले, बुरखा बांध ले, क्योंकि उन्हें धर्म बचाना है। मर्द हिजाब नहीं पहनेंगे, उन्हें धर्म की नहीं पड़ी है, यही ना? देखिए ये तो बेतुका सवाल है, इस सवाल का कोई कैसे बेतुका बात हो गई? आपने कहा धर्म बचाने की बात। मैं सवाल शहजाद के सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि अगर एसेंशियल हिस्सा है, आप क्या मुसलमान नहीं? आपका कुरान नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अगर का क्या मतलब है? मैंने पढ़ा है, नहीं है कुरान में, ये कुरान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2015 में, पढ़ लीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट को मानोगे, कुरान को मानोगे आप? बात आ गई ना, बात आ गई ना, सुप्रीम कोर्ट को कोई डाउट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। यही हम जब कहते हैं कि शरिया को मानने वाले आप लोग हैं, आपको परेशानी होती है? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दो दो आदमी एक आदमी के ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपने कोर्ट किया, दो दो आदमी मत बोलिए। कानून एक बोल लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, आपकी प्रवक्ता बन रही है। देखिए कुरान के अंदर दो जगह जिक्र है, आप संविधान को मानेंगे शरिया को मानेंगे? आप संविधान को मानेंगे शरिया को मानेंगे? मेरे संविधान ने ही मुझे इजाजत दी है कुरान पर अमल करने की। अभी आपने कहा था ना, संविधान संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट है। अभी आपने कहा कुरान को मानेंगे। संविधान ने इजाजत दी है नमाज पढ़ने की, मेरे संविधान ने इजाजत दी है रोजा रखने की, मेरे संविधान ने इजाजत दी है बुरका पहनने की। तो किसने अधिकार छीना आपका? संविधान को ही तो मान रहा हूँ, संविधान ही कह रहा है कि तो सब तो अधिकार है। कौन किसने रोका है? आप टोपी पहनकर आए हो, शायद बुर्का पहनकर आई है, किसने रोका है? अभी तो डेकोरम सिखा रहे थे आप मुझे, अब पर क्लासरूम के भीतर नहीं है, ये रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, क्लासरूम में पहनकर नहीं जा सकते आप, जब क्लासरूम का रूल है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बताएंगे हमें कुरान क्या है या इस्लाम क्या है, क्या कह रहे हैं या आप बताओ, समझ आ रहे हैं ना? कौन इंटरप्रेट करेगा कि इस्लाम का अहम हिस्सा है या नहीं, ये कोर्ट का मामला है। मतलब आप कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे? ये सीधे सीधे कह रहे हैं, ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोर्ट की नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, जज की नहीं सुनेंगे, शरिया की सुनेंगे, शरिया की सुनेंगे आप? वो आदमी धर्म को मानता ही नहीं है, वो बताएगा कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? किसके लिए बोल रहे हैं ये? कौन धर्म को नहीं मानता? देश धर्म से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है, कितनी बार बताना होगा आपको? रीमा जी गुस्से में बात मत कीजिए, प्यार से कीजिए ना, आप एंकर हैं, आप तो एग्रेसिव हो रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अगर बोलेंगे मैं भी आपका तो गुस्सा आएगा। मैं भी आपका गेस्ट हूँ, नहीं मैं भी आपका गेस्ट हूँ, एंकर को गुस्सा नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता में गुस्सा नाम की चीज नहीं होती। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो आप 10 बातें अनशन बोल जाएंगे। आप बोलिए ना, शरिया को मानेंगे संविधान को मानेंगे? ये चूंकि आप एक स्तंभ है जमहूरियत का, अगर आप ही बहक जाएंगे तो इमारत कहाँ टिकेगी? अरे हमें आप सोच समझ के बोलिए, आपको लाखों लोग बोलिए हिजाब पे, शरिया मानेंगे संविधान मानेंगे? मुझे अपना काम बेहतर तरीके से आता है, संविधान शरिया नहीं आता, इसलिए सिखाना पड़ रहा है। प्रोफेसर साहब के पास मैं जाती हूँ, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अरे बहुत देखे हैं ऐसे निजी हमले करने वाले, मैं डरती वरती हूँ नहीं। प्रोफेसर साहब आप बहुत देर से बोलना चाहते हैं, मुझे आपसे ये समझना है, डिबेट के कुछ हिस्से में ये क्लियर हो चुका है कि ये लड़ाई हिजाब वाली है या शरिया वाली है? आप बताइए, मैं स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ, खुलासे एक एक दिखा चुकी हूँ कि पाकिस्तान की फंडिंग, आईएसआई की फंडिंग, इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से विदेशों से फंडिंग। रीमा मैं रशीदी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में झूठ बोलना भी क्या पाप है कि नहीं है? आपने कहा कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया राम मंदिर के संदर्भ में, कितने सालों तक इंतजार किया तब वो मिला, और हिंदू समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पे बनाना शुरू किया। पहली बात तो ये, धर्म को ऊपर नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट ऊपर रहा, और आपने ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा वहां पर, आज आप कहते हैं हमने मान लिया, ये बात सच नहीं है। बात यह है कि आप एक बात बैठे हैं, एक सेकंड सुन तो जिस दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बाकी लोगों की यूनिफॉर्म तय हो जाएगी ना, उस दिन तमाम लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे। जहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, ये पूरे देश के हिंदू समाज को और बाकी नागरिकों को समझना चाहिए कि जहां पर भी यूनिफॉर्म है वहां पर जाति वर्ग वर्ण इन सब से परे होकर के उसी यूनिफॉर्म में रहना होगा। धर्म वहां पर नहीं आता, धर्म जरूरी नहीं है। अगर आपको धर्म लगता है कि इससे धर्म मेरा भ्रष्ट हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस्लाम में सारी चीजें जो हैं
वो आप मानते हैं क्या? जब मैंने सईदा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मानता हूँ। टीवी पर आना भी इस्लाम के खिलाफ है, फोटो खिंचवाना इस्लाम के खिलाफ है, और कहो तो और कुछ दो चार बातें बता दूं जो इस्लाम के खिलाफ है वो भी बता सकता हूं मैं। वहां पे आप समझौता कर लेते हैं, वहां नहीं है, वहां इस्लाम आपका खतरे में नहीं आता, वहां आप मजहब नहीं मानते, आप वहां पर पासपोर्ट जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आप इस्लाम में क्या क्या चीज नहीं है वो चीज आप सब करते हैं सिर्फ। और इससे पहले तमाम स्कूलों में और आज भी तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनी जाती है। आप बाजार जा सकते हैं, आप मॉल में जा सकते हैं, आप घर पे रह सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां पे यूनिफॉर्म नहीं है वहां पर आप अपनी मर्जी के कपड़े पहने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि अब तक पहनते आ रहे हैं। लेकिन अगर एक स्कूल या कॉलेज या किसी भी संस्थान में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कोर्ट रूम हो, कचहरी हो, जहां पर वकील साहब एक यूनिफॉर्म में जाते हैं, जज साहब एक यूनिफॉर्म में जाते हैं, जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर किसी भी समुदाय को, दरअसल प्रोफेसर साहब बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है, यूनिफॉर्म से अलग हो जाने यूनिफॉर्म की है ही नहीं, जवाब तरीके से बात नहीं कर रहे, संविधान ने ही हक दिया है कि डॉक्टर की साथ-साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं, यूनिफॉर्म होगी सेना की यूनिफॉर्म होगी, अगर इस्लाम को मानने वाली कोई महिला, ऐसी महिलाएं तो हैं मुस्लिम धर्म में जो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो बुर्का भी नहीं पहनती हैं, ऐसी महिलाओं को हम लोग भी जानते हैं, तो उन महिलाओं को क्या आप सजा देंगे, क्योंकि आपने कहा धर्म का भिन्न हिस्सा है हिजाब। देखिए बात सुनिए, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई इस्लाम को ना माने तो उसको सजा दो, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, सऊदी में नहीं है मोहतरमा, ये सवाल आपका गलत है, इसीलिए अरब में नहीं है, काफिर काफिर के लिए क्या है, हिंदुस्तान, यहाँ हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये जमहूरी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इसीलिए कहता हूँ, यही तो हम सुनना चाहते हैं आपसे, यही सुनना चाहते हैं कि ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अब मुझे बोलने दो ना, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कही, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहाँ जो देश है इसके संविधान से चलेगा। अरे मोहतरमा बोलने तो दीजिए, हाँ। देश ये संविधान से ही चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये मनुस्मृति से भी नहीं चलेगा, ये भगवा कलर से भी नहीं चलेगा, ये भी बात याद रखिए, चल भी नहीं रहा है, संविधान से चल रहा है देश, चल रहा है ना, चल रहा है, यूपी में भगवा हिंदुओं से घृणा आ गई ना, सामने इनके मुंह पे जुबान पे आ गई, यूपी में भगवा पहन के है भी नहीं, जुबान पे आ गई ना, यूपी में भगवा पहन करते हो आप घृणा करते हो, यूपी में भगवा पहन के जो है औरंगजेब है, जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा चिनवा दिया था दीवार पे, ताकत रखी है सबको, ताकत रखी है जो गलत है, अगर मेरे धर्म को गलत नेता संसद में जाते हैं टोपी पहन के, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपको भगवा रंग से इतनी दिक्कत हो गई कि भगवा रंग को बार बार कोट करते हैं आप, मुझे भगवा से दिक्कत हो गई, किसी ने तो कभी नहीं कहा कि संसद भवन क्यों जाते हैं आप टोपी पहन के, किसी ने कहा आपको, हमने डिबेट में ये बोला कि ये भारत है, यहाँ पे आप टोपी पहन के नहीं आ सकते, मैंने ये नहीं कहा मुझे भगवा से दिक्कत हो, लेकिन जब आप संविधानिक पद पर होते हैं, आपको तो मैं बता दूं आप क्या क्या सम्मान स्त्रियों का, दो प्रोफेसर हैं आप, महिलाओं की गवाही एक मानी जाती है, तो क्या क्या वो संविधानिक महिलाओं की एक गवाही, क्या संविधान के खिलाफ टोपी पहन के जाते हैं संसद भवन में, कैसे जाते हैं भैया, कैसे आप बोल रहे थे, मैंने बोला आप बोलने दीजिए, जब भी आपसे मुद्दे की बात करूं ना तो आपको मेरे टोकने से परेशानी है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, क्यों इतनी घृणा करते हैं आप, प्रोफेसर साहब आप ही जवाब दीजिए, घृणा क्यों करते हैं आप, प्रोफेसर साहब आप ही जवाब दीजिए, संविधान की शपथ ली है कि मैं बिना किसी, तो संविधान की शपथ में लिखा भगवा से ग्रहण करो, भगवा से घृणा करो, आप बोलने नहीं देंगे ना, सच बात पहुंचने नहीं देंगे, चूंकि मनुस्मृति आ जाएगी बीच में, अरे सच तो ये है ना, क्या दो महिलाओं की गवाही एक मानी जाती है आपके यहाँ, दलितों को क्या सोचते हैं आप, शूद्रों को क्या सोचते हैं आप, क्षेत्रियों को क्या सोचते हैं, समानता का अधिकार हमारा, बारे में क्या आपकी धारणा ही है, मनुस्मृति क्या पढ़ाती है आपको, आरएसएस की क्या नैतिकता है, अरे भैया मनुस्मृति से नहीं चल रहा, संविधान की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति पे आप जा रहे हैं, मतलब मुझे आज कुछ डिबेट में नहीं करने की जरूरत पड़ी है, खुद ही रशीदी साहब अपनी बारे में खुद बातें बता रहे हैं, मनुस्मृति से प्रॉब्लम, भगवा रंग से दिक्कत, यूपी में सरकार से दिक्कत, किस किस चीज से दिक्कत है, सब कुछ हिजाब छोड़ के इस देश की हर चीज से प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रॉब्लम, ये मैं कौन करना भूल गई थी,
शहजाद जी आप तो सुन रहे हैं काफी देर से, शहजाद जी स्मृति में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। देखिए हिजाब की लड़ाई मनुष्यता तक पहुंची है, भगवा रंग तक पहुंची है, और इसकी आइडियोलॉजी इंसान को इंसान नहीं समझती, इसलिए मुझे दिक्कत है उससे और दिक्कत रहेगी। आप जब आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, भारत में बैठ के आप दलित को इंसान नहीं समझते, आप ओबीसी को इंसान नहीं समझते जी, मैंने सबकी बात सुनी, अब मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूं और मुझे लगता है तर्क के साथ जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जी। देखिए दो तर्क रखे गए। एक तो मौलाना साहब ने बोला कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भगवा क्यों पहनता है। चलिए अगर रशीदी जी ये कंपैरिजन करते कि किसी और स्कूल के किसी कक्षा में कोई भगवा पहनकर जा रहा है और वहां पर उसको परमिशन है और इनको परमिशन नहीं है हिजाब पहनने की, तब तो बात समझ में आती। सार्वजनिक जीवन में अगर कल रशीदी जी खुद ऐसा सौभाग्य मिलता है उनको कि वो संविधान की शपथ लेकर पार्लियामेंट जाए, उनकी टोपी कौन उछाले, उनके शेरवानी कौन तर्क दिया उसी से पता चल रहा है उनका सांप्रदायिक और राजनीतिक हिजाब गिर गया इस तर्क से। उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी से, उनकी लड़ाई भगवा रंग से, उनकी लड़ाई हिंदुओं से, उनकी लड़ाई यूनिफॉर्म पर है ही नहीं। अगर यूनिफॉर्म की लड़ाई होती तो महाराष्ट्र में भी अपोज करते, ये केरला में भी अपोज करते वहां के सेम रूल को। दूसरी बात, उन्होंने एक और खतरनाक बात बोली जो अवनीजेश जी ने और आपने भी पकड़ी है। एक सेकंड, एक एक करके बात रखते हैं मौलाना जी, ऐसे बात रखेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। मौलाना जी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, मुझे एक सेकंड सर बात तो हो जाने दीजिए, अरे यहाँ पर मेरी गर्दन काट देने के बाद मेरी बात रखने दीजिए। ये देखिए, ये मुझे जवाब दे दीजिए। सीएम का सार्वजनिक कौन डाउन रखना होगा, वरना ये देखिए बीच में बोलना, बात को बीच में टोक देना ताकि दर्शकों को समझ में आ रही हूं। अगले सवाल को लेकर शहजाद जी को बोलने दीजिए, शहजाद जी। ये अभी अभी संविधान 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 का हवाला दे रहे थे, इसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया है कि अवनीजेश जी, रीमा जी, साजिद रशीदी जी या शहजाद जी, इनके धर्म का कौन सा हिस्सा अहम है नहीं है और कौन सा हिस्सा उनको मानने के लिए किसी सार्वजनिक संस्थान में उनको परमिशन है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ही ताकत दी है। परंतु यहां पर क्या बोला मौलाना ने, मौलाना ने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट को किसने ताकत दी है, सुप्रीम कोर्ट मुझे बताएगा इस्लाम क्या सही गलत है। इस्लाम में तो कई सारे प्रावधान काफिरों को लेकर भी है, तो क्या आप सब अब क्या कह रहे हैं साजिद रशीदी कि वो काफिरों वाला जो प्रावधान है वो भी मानना शुरू कर देंगे, क्या शरिया कानून को भी पूरा लागू कर देंगे, क्या वो कानून जो है हमारे देश का उसको भी मानेंगे, शरिया मानेंगे। वक्त की कमी है वरना और विस्तार से चर्चा करते हैं, वक्त की कमी है, बस आधा मिनट आपके पास है। मुझे अफसोस है शहजाद पूनावाला पे जिन्होंने इतनी कड़ी बात कह दी इस्लाम के लिए जो मुसलमान नहीं कह सकता। दूसरी बात, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान पर अमल करता हूं, संविधान ने ही मुझे इजाजत दी है नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, बुर्का तो पहनने की, तलाक का कानून नहीं माना, मैंने माना कानून नहीं माना, शाबान में रोड़ा अटकाया और अब जब सहूलियत से यही निकला आज की डिबेट के जरिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ये आपको बताने जा रहे थे इस डिबेट के जरिए, और वो हुआ भी, वो बिल्कुल बातें साफ हो गई कि वाकई यहाँ पे शरिया को लेकर भी एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे फिर से।